मैं हूं आपके होस्ट संतोष गरिमा और आप देख रहे हैं हियर इज द डिश। आज मैं बनाऊंगी सेव के पराठे। जी हां, आपने सही सुना, आज हम बनाएंगे सेव के पराठे। बहुत ही डिलीशियस होते हैं, बहुत ही चटपटे होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए आज मैं आपको ये रेसिपी बताती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए लॉन्ग सेव, जिसे मैंने हाथ से अच्छे से क्रश कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है मसालों में धनिया पाउडर, हल्दी, अमचूर पाउडर, चाट मसाला पाउडर, नमक, सौंफ, लाल मिर्च का पाउडर और जीरा। और साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है हरी मिर्च कटी हुई, 2 से 3 क्लोव्स बारीक कटी हुई गार्लिक की, अराउंड 1.5 अनियन जिसे मैंने बहुत ही फाइनली चॉप किया है, और साथ ही में मैंने लिया है थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। तो चलिए सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करते हैं कि हमें फिलिंग कैसे तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे सेव। यहाँ पर हमने सेव ले ली है। तो सेव में हम क्या करेंगे, हमने जो हमारे जो प्याज गार्लिक है इनको हम मिला लेंगे, जो हमने काट के रखे हैं वो हम पूरे इसमें मिला लेते हैं। यहाँ पे गया गार्लिक, चिली एंड अनियन, और साथ ही में जो हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया काट के रखा है वो भी हम इसमें डाल लेते हैं। तो ये भी गया इसमें, और साथ ही में जो सारे मसाले हमने रखे हैं वो भी हम एक साथ इसमें डाल लेते हैं। सौंफ, लाल मिर्ची, चलिए एक साथ करके मैं डाल देती हूँ क्योंकि मसाले तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। तो ये गए हमारे सारे मसाले इसके अंदर। मैंने बोला था बहुत जल्दी बन जाती है, तो देखिए फिलिंग तो एक इतनी जल्दी से तैयार भी हो चुकी है। तो ये हो गए हमारे सारे मसाले मिक्स। तो यहाँ मिला लिए हमने सारे मसाले, अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से करेंगे ताकि सारे मसाले, अनियन, गार्लिक और जो सेव है वो अच्छे से एकदम से मिक्स हो जाएं एक दूसरे से। तो ये लीजिए हमारी फिलिंग तैयार है। तो आइए पराठा बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसके लिए आटा कैसा गूंदा है। और यहाँ पर मैंने पराठों के लिए आटा पहले से ही गूंद के रखा है। हम जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं, आटे में थोड़ा सा नमक और उसे पानी से मैंने गूंद लिया है। तो ना ही हमें बहुत ज़्यादा हार्ड गूंदना है, ना ही बहुत सॉफ्ट। जैसा कि हम नॉर्मली पराठों के लिए, आलू के पराठे, मेथी के पराठे के लिए जैसे गूंदते हैं, वैसा ही हमें इसको गूंदना है। तो आटा हमारा तैयार है, फिलिंग भी तैयार है, तो चलिए झटपट पराठे बना लेते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा एक इस तरह से एक बॉल बनाएंगे, अच्छे से उसको एक बॉल बनाएंगे इस तरह से, और इसे हम सूखे आटे से इस तरह से कर लेंगे। और अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं। सरफेस पे हम इसे रख लेंगे हमारे आटे की लोई को, और इसे हम धीरे धीरे इस तरह से बेलेंगे। हल्के हाथ से हमें इसे बेलना है इस तरह से। और अब हम हमने जो फिलिंग तैयार की है वो हम इसमें डालेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा ऑयल इसमें लगा लेंगे। ऑयल गया, अब इसमें हम हमारी फिलिंग जो हमने परख के तैयार रखी है बना के पहले से ही, वो हम इसमें इस तरह से डालेंगे। अच्छे से फिलिंग भरेंगे। फिलिंग डालने के बाद हम इसे इस तरह से चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, एंड लास्ट में इसे इस तरह से पकड़ के इसे हम यहाँ पर सील कर देंगे ताकि हमारी फिलिंग बिल्कुल भी बाहर ना निकले जब हम इसे बेलें। तो चलिए इस पे वापस से हम एक बार आटा लगाते हैं और फिर वापस से इसे बेल लेते हैं। अब हम इसे बिल्कुल धीरे हाथ से इसे बेलेंगे, बिल्कुल धीरे हाथ से, ताकि फिलिंग हमारी बाहर ना आए। वैसे इसको बेलना बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसानी से बेल जाता है। और आपको ये कितना मोटा और पतला चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए हमारा पराठा बिलकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम तवे पे डालकर सेक लेते हैं। तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है, तो आइए इस पे हमारा पराठा हम डाल लेते हैं। तो हमने इस तरह से यहाँ पे डाल लिया, इसे हम एक तरफ से सिकने देंगे, फिर इसको फ्लिप करके इसे दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेकेंगे।
पराठे बनकर एकदम तैयार हैं। मैंने इन्हें टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इन्हें दही, अचार, हरी चटनी जिसके साथ भी खाना चाहें आप खा सकते हैं। आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए और प्लीज़ 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 मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ आप मत भूलिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।